ढाबा स्टाइल मटर पनीर बनाने के लिए सबसे पहले हम ऑयल डाल लेते हैं पैन में। यहाँ पे लिए हैं मैंने खरबूजे के बी और 7-8 काजू, वो डाल देते हैं सबसे पहले ऑयल में। खरबूजे के बी मैंने बड़ा 1 चम्मच ली है। अभी इसमें डाल देती हूँ मैं अदरक लहसुन, 5-6 लहसुन की कलियाँ ली है और 2-4 अदरक के टुकड़े, और इसमें डाल देती हूँ प्याज और हरी मिर्ची, 2 हरी मिर्च ली है और 1 बड़ा प्याज लिया है। हल्का प्याज हमारा फ्राई हो गया है, अब इसमें मैंने टमाटर डाल दिया है, बड़ा वाला 1 टमाटर। ये सब चीज़ें हमारी हल्की फ्राई हो गई है, आप देख सकते हैं। इन सब की मैं अब मिक्सर के जार में डाल के पेस्ट बनाऊंगी, पहले इसको थोड़ा ठंडा कर ली। यहाँ पे ये पेस्ट मैंने तैयार कर ली है। सबसे पहले पैन में डालेंगे बटर, बटर के साथ ऑयल, अब डालेंगे जीरा, तेज पत्ता और थोड़ी सी कस्तूरी मेथी। अब डाल देते हैं पेस्ट जो हमने सब चीजें पीस के लिए है। अब पेस्ट को अच्छी तरह से फ्राई करेंगे जब तक ये खुद से अपना ऑयल नहीं छोड़ देती तब तक। आप देख सकते हैं हमारा मसाला पूरी तरह से भून गया है। इतना मसाला भूनने में मुझे पूरे 5 मिनट लगे हैं और मैंने मीडियम गैस के ऊपर रखा था। अब इसमें मैंने डाला है 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार नमक और लाल मिर्च पाउडर, और बस इतना ही। और डाला है थोड़ा गरम मसाला। अब गरम मसाले की जगह किचन किंग मसाला भी यूज कर सकते हैं। अब इसमें मैं थोड़ा पानी डाल लेती हूँ, मसाले जल न जाए। अब मैं इसमें डाल लेती हूँ मटर। मटर को थोड़ा फ्राई कर लेते हैं और इसमें पानी ऐड कर लेंगे। आपको किस तरह से सब्जी चाहिए, गाढ़ी पतली, उसके हिसाब से आप पानी ऐड कीजिएगा इसमें। अब इसको अच्छे से उबलने देते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी सब्जी अच्छी तरह से उबल गई है। अब इसमें डाल देते हैं थोड़ी सी शुगर, थोड़ा बटर और ये पनीर। अब गैस को मैं कम कर देती हूँ और 5 मिनट इसको गैस कम गैस के ऊपर रख देते हैं। यहाँ पे हमारे 5 मिनट हो गए हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हमारी सब्जी बन गई है, बहुत ही खूबसूरत बनी है। इसके ऊपर मैं थोड़ा हरा धनिया पत्ती डाल देती हूँ। ये मटर पनीर आप गर्मा गर्म खाने के लिए रेडी है। आप देख सकते हैं ये कितना मस्त मटर पनीर बना है, बिल्कुल ढाबे जैसा। ये देखिए, आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नीचे कमेंट कीजिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं फ्रेंड, तब तक के लिए बाय बाय।